बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सूफिया। और आज हम करेंगे उर्दू की कॉपी पर काम। ये आपकी उर्दू की कॉपी है, ठीक। टेस्ट वाली कॉपी पे आपने काम नहीं करना, आपने उर्दू की जो होमवर्क कॉपी होती है उस पर काम करना है। सबसे पहले हम पेज रेडी करेंगे। फर्स्ट पेज आपने लेफ्ट कर देना है उसका। नेक्स्ट पेज पे आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। उसके बाद आपने अपने सीधे हाथ से जो है वो सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, बीच में आपने घर का काम लिखना है और दिन लिखना है। दिन का और तारीख का ख्याल रखिएगा कि जो तारीख हो वही आप लिखें। फिर आपने पहली लाइन में सबक नंबर एक लिखना है। ये आपको मिसाल दी गई है, लेकिन आपने फॉर्मेशन जो है उसका ख्याल रखना है। जिस तरीके से हम लोगों ने, मैंने आपको जो है पिछली दफ़ा फॉर्मेशन का तरीका बताया था, अलिफ बे का जो हरूफ तहजी थी पूरी, बड़ी अशकाल छोटी अशकाल का, थोड़ा आपने जो है वो केजी क्लास में भी किया होगा। तो मैंने जस्ट आपको मिसाल के तौर पर इस तरह लिख कर दिखाया है। आपने अपनी फॉर्मेशन जो है हरूफ तहजी के मुताबिक ही करनी है। पहली लाइन में हम लिखेंगे इसी तरीके से सबक नंबर एक। उसके बाद हमने अगली लाइन में लिखना है मौजू का नाम, जो हम जिस नज़्म के बारे में काम कर रहे हैं वो लिखेंगे, अल्लाह कितना प्यारा है। अब अल्लाह कितना प्यारा है में हमने बहुत सारी बातें जो थी वो पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने बाग, जंगल, सेहरा, दिन, सूरज, चांद, तारे, इतनी चीज़ें बनाई। किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला की जो है वो बड़ाई बयान की गई है, जिसमें अल्लाह ने बताया है, अल्लाह के बारे में बताया गया है, ठीक। अब हमने उसमें से, उस मौजू में से, उस नज़्म में से कुछ अल्फाज लिए हैं जिनके हमने जो हैं वो जुमले बनाने हैं। आपने सबक नंबर एक लिख लिया, मौजू का नाम लिख लिया, फिर आपने मौजू की तरफ आना है कि अब क्या काम करने लगे हैं। तीसरी लाइन में आपने लिखना है अल्फाज के जुमले बनाएं, ठीक है। आपने इसी तरीके से अल्फाज एक साइड पे लिखना है, दूसरी साइड पे आपने लिखना है जुमले। लाइन हाशिया जो है आपने इसी तरीके से लगाना है। अब पहला आपके पास लफ्ज़ है बाग, पहला आपके पास लफ्ज़ है बाग। अब आपने ये सोचना, आपके जहन में कौन सा वर्ड आता है, कौन सा जुमला बनता है कि बाग के बारे में सोचते साथ ही, कि क्या चीज़ बाग के बारे में है जो आप फौरन से कोई सेंटेंस, कोई जुमला बना लो। जैसे बाग बहुत प्यारा है, बाग में फूल हैं, बाग खूबसूरत है। इस तरीके से आपके जहन में जो जो जुमले आएंगे आपने वो बनाते जाने। दूसरा जुमला है आपके पास लफ्ज़ है काम का, ठीक है। काम का लफ्ज़ है आपके पास। अब आपने ये देखना है काम को लेते हुए कौन सा जुमला आपके जहन में आता है। जैसे काम करना अच्छी आदत है, मैं काम करती हूँ, और काम दिल लगा कर करना चाहिए। तीसरा लफ्ज़ है आपके पास जंगल। जंगल को सोचते ही आपके पास क्या चीज़ जहन में आती है? जंगल बहुत बड़ा है, शेर जंगल का बादशाह है। इस तरह के जुमले आपने अपने जहन में, जो आपको छोटे और आसान लगे वो आपने खुद से बनाने हैं। मैंने आपको मिसालें दे दी हैं, अल्फाज दे दिए हैं, लिखने का तरीका बता दिया है। अब आपने अपना काम बहुत प्यारा और फॉर्मेशन का ध्यान रखते हुए करना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये काम समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।